इधर उज्जैन और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते मंगलवार को क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। रामघाट समेत अन्य घाटों पर स्थित मंदिर डूब गए। क्षिप्रा नदी के रामघाट पर आरती स्थल समेत पुजारियों का जो तर्पण पूजा स्थल है वो भी डूब गया। देवास जिले में नागदा की पहाड़ी पर पिकनिक मनाने गए चार युवा तेज बारिश के चलते केदार खो में फंस गए। बारिश के चलते नाला उफान पर आने से केदार खो में तीनों लड़के और एक लड़की फंस गए। पानी के तेज बहाव के चलते चारों पहाड़ी के दूसरी तरफ फंसे रहे। इसकी सूचना मिलने पर औद्योगिक थाना पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। बारिश रुकने के बाद पानी का बहाव कम हुआ और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गांव वालों की मदद से इन चारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और अब टॉप 20।